हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन टिक्का की। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन इसका टेस्ट रेस्टोरेंट से भी काफी अच्छा है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन थाई पीस ले लिए हैं, और मैंने यहाँ चार पीस लिए हुए हैं। सबसे पहले हमें थाई पीस में कट लगाना है, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दूरी में हम इस तरह से काट लेंगे, ताकि नमक और मसाले अंदर तक अच्छी तरह से घुस जाएं। और अच्छा डीप कट लगाएंगे हम, अपने हाथ को आप प्लीज बचा के काटिएगा। और इसी तरह से मैं चारों पीसेस को काट लूंगी। और सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब सिरका, यानी कि विनेगर। डालेंगे इसमें 1 नींबू का रस, 1/2 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। और एक बार जब ये अच्छे से मिल जाएगा, तो इसे अब हम रख देंगे साइड पर। एक बाउल ले लेंगे, और यहाँ मैं ले रही हूँ दही, और ये हंकड़ है, इसे छन्नी में काफी देर पहले मैंने रख दिया था, जिसकी वजह से इसका सारा पानी निकल गया है। और ये 1 छोटी कटोरी के करीब है, और अगर टेबलस्पून से मैं बताऊँ तो ये 4 टेबलस्पून है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं डालने वाली हूँ क्रीम, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे तंदूरी टिक्के का। अब बारी है इसमें सूखे मसालों को डालने की। तो इसमें मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची ली है हमने, क्योंकि 1/2 चम्मच हमने पहले ही डाल लिया है पहले मैरिनेशन में चिकन में, 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाले का पाउडर लिया है, और 1/2 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ तंदूरी चिकन मसाला लिया है, और 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाले का पाउडर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे टेस्ट के लिए, अगर आपके पास हो तो आप जरूर से यूज कर लीजिएगा। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ कसूरी मेथी ली है, और ये सब हम दही में मिला देंगे। अब इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी से आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा, आप रेस्टोरेंट का तंदूरी चिकन टिक्का खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा कलर भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज कलर, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। और बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत मिलाइएगा इसे, लेकिन कलर डालने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो लुक होता है ना हमारे तंदूरी टिक्के का, वो आ जाएगा। देखिए ये तैयार हो गया है। चलिए अब हम जो चिकन मैरिनेट करके रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। हम इसे एक एक करके लगाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से जो कट है उसमें मसाले को भरना है हमें। और मैरिनेट होने के बाद हम चिकन पीस को साइड में रखते जाएंगे, और सारे इसी तरह हम कर लेंगे। और ये देखिए सभी पीसेस पे मैंने बहुत अच्छे से मसाला लगा लिया है, और अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। और चिकन अब हो गया है मैरिनेट, तो इसे हम बना रहे हैं ओवन में। तो इस तरह से आप एक ट्रे ले लीजिए, और उसके ऊपर ओवन वाली ये जाली रख लीजिए। नीचे ट्रे इसलिए क्योंकि अभी चिकन के जूसेस निकलेंगे इसमें ट्रे में। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। और जब आप ये कर रहे हो तो अवन को 200 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा। और अब इसे रख देंगे 200 डिग्री प्रीहीटेड अवन में 15 मिनट के लिए, यानी कि 15 मिनट्स के लिए।
और जब 15 मिनट हो जाए तो एक बार हम इस चिकन को निकाल के इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। और इस वक्त ऑयल लगाने से ये होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल ही मॉइस्ट बनेगा। और ऑयल लगाने के बाद इसे हम पलटा देंगे और ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है और इसे अभी हमें दूसरे तरफ से भी सेकना है। तो अब हम दूसरे तरफ भी ऑयल लगा देंगे। और जब इसमें एक बार ऑयल लग जाएगा तो हम अवन का टेम्परेचर अब कम कर देंगे, 160 डिग्री कर देंगे। और 160 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए और पका लेंगे। और 15 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार है ये हमारा अवन में बना हुआ लाजवाब टिक्का। और देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है ये, और ये गला भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला चिकन टिक्का हमने कितनी आसानी से बना के तैयार कर लिया है। अगर आपके घर में पार्टी है तो आप इसे बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्राई कर सकते हैं। और इसका स्वाद तो माइंड ब्लोइंग है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अवन में भी चिकन टिक्का बहुत अच्छा बनता है। सेम मैरिनेशन के साथ ये चिकन टिक्का आज तो मैं अवन में बना रही हूँ, लेकिन आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। मैंने इसे पैन में भी बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रेसिपी की लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पर मेरी रेसिपी चेक कर सकते हैं। इसे एक बार आप घर में जरूर ट्राई करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी अब आपको अपनी एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।